जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में, जो हमारी एसएससी जीडी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं जीके जीएस के प्रिवेशन के क्वेश्चन। तो अब तक हमारी फर्स्ट से लेकर सेवन तक क्लास हो चुकी है, तो आज हमारी एसएससी जीडी की आठवीं क्लास है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 खालिस्तान से संबंधित है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, भारत के राज्यपाल, गृह मंत्री, भारत के लिए महान्यायवादी, मंत्री परिषद। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, भारत के लिए महान्यायवादी, किसके लिए है, भारत के लिए महान्यायवादी। और सबसे मेन जो होता है इसमें कौन होता है, राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का क्या होता है, प्रमुख होता है, क्या होता है, प्रमुख होता है। जैसे कोई विधेयक भी लाना हो तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, लोकसभा राज्यसभा में तो जाता है, वहां पारित हो जाता है। पारित होने के बाद भी सबसे पहले जो किसको दिया जाता है, राष्ट्रपति, जो क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते। जब तक वो हस्ताक्षर नहीं करेंगे कोई भी विधेयक पारित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। खालिस्तान एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है, तो ऐसी कौन सी निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है, तो वो है विश्व बैंक। क्या है, विश्व बैंक। अगर हम विश्व बैंक की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई, 1944, कब हुई, 1944 में क्या हुई इसकी शुरुआत हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में क्या है इसका हेडक्वार्टर है विश्व बैंक का, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो ये केंद्रीय बैंक है जो सभी बैंकों का संचालन एवं नियंत्रण करती है। क्या करती है, सभी बैंकों का क्या करती है, संचालन और नियंत्रण करती है। इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 1935, कब हुई, 1 अप्रैल 1935 में क्या हुई इसकी शुरुआत हुई। और जो आरबीआई क्या लाया गया था, एक्ट लाया गया था, कब लाया गया था, तो 1934 में, जो एक्ट लाया गया था कब लाया गया था, 1934 में। स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर कहाँ, तो हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में क्या है, हेडक्वार्टर है आरबीआई का। आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर है, क्या है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, कौन है, शक्तिकांत दास क्या है आरबीआई के अभी क्या है वर्तमान में गवर्नर है। सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे वो भी याद रखिए, तो कौन थे, ऑसबोर्न स्मिथ, कौन थे, ऑसबोर्न स्मिथ क्या थे, आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर, कौन थे, आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है, सेंट्रल बैंक। इसकी स्थापना कब हुई, 1911 में, कब हुई, 1911 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, मुंबई में, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। भारतीय स्टेट बैंक, क्या, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई भारत की सबसे बड़ी बैंक है, क्या है, भारत की सबसे बड़ी क्या है, बैंक है, जिसकी स्थापना कब हुई, 1806 में, कब हुई, 1806 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जुलाई 1955 में, कब हुआ इसका राष्ट्रीयकरण वो भी याद रखिए, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जुलाई 1955, कब हुआ, 1 जुलाई 1955। भारत की सबसे बड़ी बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। शास्त्री ने छऊ का संबंध निम्न में से किस राज्य से नहीं है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां शास्त्री ने छऊ का संबंध नहीं है, तो वो राज्य है तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। हमारे भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, 8 शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो ये केरल राज्य में होता है। कथक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। कथकली कहाँ होता है, केरल में होता है। सत्रिया कहाँ होता है, ये असम में होता है। मणिपुरी कहाँ होता है, मणिपुर में होता है। ओडिशी कहाँ होता है, तो ये ओडिशा में होता है। तो हमारे भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, 8 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध निम्न में से किस राज्य से नहीं है, तो तमिलनाडु से, किससे नहीं है, तमिलनाडु से। छऊ नृत्य कहाँ होता है, तो ये झारखंड में होता है, उड़ीसा में होता है और पश्चिम बंगाल में होता है। ये भी याद रखिए कि छऊ नृत्य का जो संबंध है वो किस राज्य से है, तो झारखंड में होता है, उड़ीसा में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे खालिस्तान की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती है, तो किसकी सहमति, राष्ट्रपति की सहमति, किसकी सहमति, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो खालिस्तान के संविधान से आधारित एक विशेषता है, तो वो क्या है, तो वो है ब्रिटेन, क्या है, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है।
कौन सा शास्त्री ने साधारणता विष्णु के स्त्री की रूप की कहानी का वर्णन करता है? तो हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है, मोहिनीअट्टम, कथक, मणिपुरी, सत्रिया। तो कौन सा ऐसा शास्त्री नृत्य है जो शास्त्री नृत्य है विष्णु के स्त्री की रूप की कहानी का वर्णन करता है? तो वो शास्त्री नृत्य है मोहिनीअट्टम। जो कहाँ का शास्त्री नृत्य है, तो ये है केरल राज्य का। कहाँ का है ये? केरल राज्य का। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, कथक ये कहाँ होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। मणिपुरी ये कहाँ होता है? तो ये होता है मणिपुर में। और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। सत्रिया ये कहाँ होता है? तो ये होता है असम में। कहाँ होता है? असम में। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का सबसे गरीबी राज्य था? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो 2021 के अनुसार सबसे गरीबी राज्य रहा है? तो वो रहा है बिहार। कौन सा राज्य रहा है? बिहार राज्य रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। तो क्या रह चुका है? आगरा का किला। क्या रह चुका है? आगरा का किला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? जीवन प्रमाण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीवन प्रमाण योजना। भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा क्या है? तो वो है जीवन प्रमाण योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने खालिस्तान नामक फिल्मों के लिए 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो वो कौन सी फिल्म रही है? तो वो रही है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। कौन सी फिल्म रही है? मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा। अगर हम बात करें मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की, तो ये जो फिल्म रिलीज हुई थी कब हुई थी? 2019 में। जो फिल्म रिलीज हुई थी कब हुई थी? 2019 में। और पंगा जो फिल्म रिलीज हुई थी ये कब हुई थी? 2020 में। कब हुई थी? 2020 में। जिनके लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या अवार्ड जिसकी शुरुआत कब हुई? 1954। कब हुई? 1954 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष खालिस्तान के रूप में मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जल दिवस। तो 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो सही क्रम को दर्शाता है तो क्या? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहदत्त। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहदत्त। मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना या जिसका जो शासक रहा सबसे पहले, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में। कब? 322 ईसा पूर्व में की। ठीक है, पहला जो पहला संस्थापक था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य का पहला संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और अंतिम शासक भी याद रखिए कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी की है? तो वो कौन सा राज्य रहा? तो वो रहा है हरियाणा राज्य। कौन सा राज्य रहा है? हरियाणा राज्य, जिसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। जिसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी की है? तो वो कौन सा राज्य रहा है? तो वो राज्य रहा है हरियाणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि और मछली पकड़ने के लिए गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? द्वितीयक क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है प्राथमिक क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से। तो ये रहे हमारे आज के SSC GD के प्रिवेशन के क्वेश्चन। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर ले।